हाँ यार आजा आजा आजा, वो तेरा इंतजार था। बात सुन यार, वीडियो करनी है। फूड अंडर 50 रुपीज इन शहजादपुर। हम 50 रुपये में जो फूड है वो ट्राई करने जा रहे हैं शहजादपुर। तो जो पहला फूड हमने सोचा हुआ है इस लिस्ट पे वो है जी सुबह का नाश्ता। अरे नहीं, इंट्रो देना तो भूल जाते, इंट्रो आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई बहन, तो क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग या एक फूड ब्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज का सीन ये है कि हम ट्राई करने जा रहे हैं फूड अंडर 50 रुपीज़ इन शहजादपुर। तो 50 रुपये में हम क्या क्या खा सकते हैं शहजादपुर में रहते हुए, तो वो हम देखने जा रहे हैं, ट्राई करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फूड है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले इंट्रो आएगा। अच्छा, उसके बाद जी आएगा पूरी का नाश्ता। ओके, तो जो हम पहला फूड ट्राई करने जा रहे हैं वो है जी सुबह का नाश्ता विद पूरी के साथ। तो जैसा कि आपको मेरी शक्ल से देख के लग रहा होगा कि मैं अभी उठाऊँ, तो नाश्ता तो फिर बनता है वो भी पूरी के साथ। उसके बाद उसके लिए आएंगे सिनेमैटिक शॉट्स आएंगे। तो हमारा नाश्ता आ चुका है और ट्राई करते हैं। बेस्ट नाश्ता है जो आप अंडर 50 रुपीज़ कर सकते हैं। बाद आएगा जी, उसकी लोकेशन बताई जाएगी। 40 रुपये में हमारा नाश्ता हो चुका है। तो लोकेशन मैं आपको थोड़ी सी समझा दूँ, ये यहाँ पर है और ये अली चौक आ रहा है। अली चौक से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर ये ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके बाद आएगा जी दूसरा फूड। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा फेसू का पकौड़ा। तुझे पता है कितने फेमस हैं आगे, तो वो हम करेंगे। तो भाई आप लोग कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से दिन से रात कैसे हो गई। तो बेसिकली सीन ये है कि वो जो हमने पहले शूट किया था वो था सुबह का सीन और ये है शाम का सीन, क्योंकि ये फूड जो है ना, ये फूड क्या पकोड़े जो है ना, ये शाम में ही बनते हैं और शाम में ये इनके बिकते हैं, तो ये शाम को ही होते हैं, तो इसी वजह से हम शाम में शूट कर रहे हैं। और ये पीछे हम दे रहे हैं पकौड़े, और अभी तो रश नहीं है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत रश होता है, तो वीडियोस बनाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, बट खैर हम उसको घर जाके ट्राई वगैरह कर लेंगे। उसके भी थोड़ा सा लोकेशन वगैरह बता देंगे, प्राइस वगैरह बता देंगे और सारी हाँ उसको टेस्ट वगैरह करके बता देंगे। इसकी भी थोड़ी सी लोकेशन आपको समझा दूं कि डायरेक्ट अली चौक से आप आएंगे, ये सामने क्रेक है, उसके साथ थोड़ा सा ना आगे आगे तो इस तरफ ये पकौड़े वाला। एंड एक और बात, ये काफ़ी पुराने हैं तो 50 रुपये में अगर आपको ये मिल रहा है तो भाई बेस्ट है, फेमस भी है बहुत यहाँ का, ये बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर खड़े होने की मिलती नहीं है, बहुत रश बहुत होता है यहाँ पे, काफ़ी लोग जो है ना वो इसको इसी वजह से नहीं लेते कि यहाँ पर रश बहुत होता है, ये अभी तो कम है, बहुत रश होता है यहाँ पे। ओके सो फेसू भाई का पकौड़े इज हियर, तो लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाह भाई बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ अगर 50 रुपये में अगर आपको ये मिल रहे हैं तो बेस्ट है। ये वैसे हम 100 रुपये के लेकर आए थे और वैसे भी आजकल बारिशों का सीज़न है तो भाई की पकौड़े खाए। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है जी वो चिकन चीज़ रोल। उसका हम करेंगे, हाँ हाँ वो जो न्यू खुला हुआ है वो करेंगे। वो 50 में तो नहीं आता लेकिन खैर वो अभी हुआ है 60 का, हाँ ठीक है उसकी खैर है, हाँ वो हम करेंगे। ओके सर, जो नेक्स्ट आइटम हम 50 रुपीज़ की लिस्ट में ट्राई करने जा रहे हैं वो है जी चिकन चीज़ रोल। ये इसकी थोड़ी सी मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगा और इसका टेस्ट भी बता दूंगा कि कैसा अंदर से दिखता है। ओके सो अगर आप स्टेशन की तरफ आएंगे तो ये SBL बैंक आपको दिखी है, SBL के बैंक से थोड़ा सा ही पास ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये है चिकन चीज़ रोल। ओके सो ये है जी चिकन चीज़ रोल, ये 50 रुपीज़ के अंडर तो नहीं आता लेकिन 10 रुपये अगर आप ज़्यादा पे कर सकते हैं तो आपको इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी डिलीशियस चीज़ मिल रही है,
अगर 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके तो क्यों नहीं भाई, तो अभी ट्राई करते हैं हमारे पास। हाँ तो ये जी आ गया हमारा चिकन चीज रोल, लेट्स ट्राई। वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। ओके तो मैंने खा लिया है, और ये भी पकोड़े वाले की तरह शाम में ही ओपन होता है, ऐसा ना हो कि आप सुबह आएँ या दोपहर में आ रहे, तो ये सुबह और दोपहर में नहीं होते, शाम में ही ओपन होता है। और लोकेशन मैंने आपको समझा दी, SBL बैंक के सामने स्टेशन रोड शाहजहाँपुर में। तो ये था वो फूड जो कि मैंने सोचा हुआ था कि ट्राई करेंगे अंडर 50 रुपीज़। तो वैसे फूड तो बहुत सारे हैं शाहजहाँपुर में, अगर मैं सोचूँ तो हर फूड जो है वो 50 रुपये में हमें ईजीली मिल जाएगा, फेमस से फेमस। लेकिन मसला है कि वो हमें कुछ जो फूड है वो हमने ट्राई कर चुके हैं, और कुछ जो है वो मैंने अभी जो बचे कुचे थे वो मैंने अभी ट्राई कर लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे रहते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम कवर करते रहेंगे, और इसी तरीके की मज़ीद अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी हम इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे, डिफरेंट सिटी के फूड एक्सप्लोर करते रहेंगे, और भी काफ़ी कुछ होगा। उसके बाद यहाँ पे वो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना? ये है वीडियो, सही है, गुड है, चल सही है, बनाते हैं। तो बस यार यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर करना, अगर और ज़्यादा पसंद है सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद है दोस्तों को बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।